हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ निधि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटॉक्स वाटर या इन्फ्यूज वाटर के बारे में उसके बेनिफिट्स कुछ रेसिपीज एंड एवरीथिंग अबाउट डीटॉक्स वाटर तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था हाइड्रेशन किक स्टार्ट जिसमें हम पानी पीने के इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे और पानी पीने का चैलेंज मैंने आपको दिया था आपको सेवन टू टेन डेज पानी पीना है और उसी के आ, मतलब उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है अगर आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहते हैं और पानी के अलावा कुछ चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं जैसे कि थोड़ा सा यू नो हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाए हाइड्रेशन भी मेंटेन हो जाए और अननेसेसरी जो हम आ, बाहर के पैक्ड जूसेस या और भी कुछ इस तरीके का बाहर से शुगरी ड्रिंक्स जिसको हम बोलेंगे वो सब पिए उससे बेहतर है उस कि हम डिटॉक्स वाटर पिए जो कि ओवरऑल हमारी हेल्थ को थोड़ा सा अच्छा बूस्ट करने में हेल्प करता है इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है स्किन वगैरह की हेल्थ अच्छी रहती है और अगर आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है लाइक एसिडिटी ब्लोटिंग ये सब चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है डिटॉक्स वाटर और डेफिनेटली आपका मूड भी अपलिफ्ट करता है जैसे अगर हम कोला और ये सब चीज़ें पीते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है थोड़ा अच्छा लगता है उसी तरीके से अगर हम उसकी जगह पे डिटॉक्स वाटर पियेंगे तो उसमें हमको रिफ़्रेशमेंट फील होगा थोड़ा सा कुछ वैरायटी हो जाएगी थोड़ा सा यू you नो know, दिखने में वो इतना अपीलिंग होता है कि आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है प्लस उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करते ही करते हैं तो डिटेल में हम सारे सारी चीज़ें जानेंगे जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे तो मैं उसमें आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि क्या इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू है किस तरीके से आपको लेना है और इसको लेने से आपके क्या बेनिफिट्स हैं तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं कैरेट ग्रेप्स डीटॉक्स वाटर जो कि दिखने में बड़ा ही सुंदर है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है तो इसके लिए हमको बेसिक इन्ग्रीडियट्स चाहिए एक गाजर है और ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स दोनों ही मेरे पास थे आप दोनों में से एक हो तो वो भी ले सकते हो थोड़ा सा जिंजर है और थोड़े से पुदीना के पत्ते हैं और आधा नींबू मैंने लिया है तो छोटा छोटा, छोटा चॉप कर लिया है क्योंकि हम इनमें से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करने वाले हैं इसको हम खाएँगे यूज़ करेंगे तो ये हमें फाइबर कंटेंट भी अच्छे से दे देगा इसलिए मैंने चॉप किया है अगर आपको खाना पसंद नहीं है आप खाना नहीं चाहते हो तो आप बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके और फिर उसके बाद आप बाद में छान करके पानी को पी सकते हो बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके से बनाएँ और सारी चीज़ों को अच्छे से खा करके पानी पी करके सारा पूरा फुल बेनिफिट्स आप इन चीज़ों का लें तो मैंने एक जार लिया है उसके अंदर मैंने सबसे पहले पुदीना के पत्ते और जिंजर जो था छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था उसको स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा दबा दिया स्मैश कर दिया सो दैट कि उसके थोड़े से जूसेस रिलीज़ हो जाएं उसके बाद मैंने जो ग्रेप्स थे छोटा छोटा सबको काटा है और गाजर है इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि इसको खाने में भी आसानी रहे और एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग फ्लेवर ना आए मुँह के अंदर और इनकनवीनियंस ना आए इन सारी ही चीज़ों को मैं इस तरीके से स्मैश कर दे रही हूँ कि इनके जूसेज़ जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा लेमन थोड़ा सा नहीं आधा लेमन का जूस डालूंगी आप चाहो तो लेमन के स्लाइसेस भी डाल सकते हो बट जूस डालोगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और उसके बाद मैंने इसमें वन लीटर या फोर ग्लास ऑफ वाटर इसके अंदर डाल दिया है अब इसे ढक करके आपको ज़्यादा देर नहीं चार पाँच घंटे या छः घंटे आप रख सकते हो तो इसे जितना देर रखोगे उतने अच्छे फ्लेवर्स इसके आ जाएंगे चाहो तो आप रात में बनाकर ओवरनाइट फ्रिज में रख दो और सुबह उठ के दिन भर में इसको कंज्यूम कर ले कर सकते हो वो भी अच्छा रहता है तो छः घंटे के बाद में जो पानी है वो कुछ इस तरीके का बना है आप देख सकते हो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और फ्लेवर्स जो है वो पानी के अंदर आ गए थे और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लग रहा था पीने में बहुत मज़ा आ गया था और दिखने में तो आप देख ही रहे हो कि कितना एक्जॉटिक लग रहा है अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आते ना तो आप उनको वेलकम ड्रिंक के तौर पर ये वाला ड्रिंक ज़रूर ऑफ़र करना उनको भी मज़ा आ जाएगा तो अगर इस डिटॉक्स वाटर के बेनिफिट्स की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है इसके अंदर जो हमने डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है लाइक अगर गाजर की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा बीटा कैरेटीन विटामिन ए और बहुत अच्छा फाइबर आपको मिल जाता है अगर पुदीना की बात करें तो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है जिंजर आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और जो हमने ग्रेप्स यूज़ किए हैं है, लेमन यूज़ किया है उसके अंदर काफ़ी सारा एंटी ऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी रहता है तो ये सारी ही चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छी हैं और आपको अच्छे स्किन अच्छे हेयर देने में भी हेल्प करती है तो चलिए अब अपना नेक्स्ट डीटोक्स ड्रिंक बनाते हैं जिसका नाम है फ़ेनल सीड एंड ऑरेंज डीटोक्स वाटर जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इनडाइजेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो इसको ज़रूर से ट्राई करना इसमें हमने यूज़ किया फ़ेनल सीड मिंट लीव्स ऑरेंजेस को मैंने सिक्स टू सेवन स्लाइस ऑफ ऑरेंज को हाफ़ कट कर लिया बीच से हाफ़ क्यूकम्बर uh, को मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया और हाफ़ लेमन को भी इस तरीके से पतला पतला स्लाइस करके डी कर लेना है ऑरेंज के भी सीड्स जो है वो रिमूव करना बिल्कुल ना भूलें तो इस तरीके से बनाना और ये बहुत क्विक बन जाता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसको ज़रूर से ट्राई करना तो हम क्या करेंगे एक जार के अंदर पहले वन बाय वन करके सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है इसमें मिंट लीव यूज़ कर रहे हैं जो कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और इसकी फ्रेग्रेंस और इसका फ्लेवर दोनों ही बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग एंड मूड अपलिफ्ट करता है आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है अब आता है हमारा स्टार इन्ग्रीडियंट फेनल सीड्स जिस जो कि आपके पेट के लिए अगर एसिडिटी हो रही है बर्पिंग हो रही है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फेनल सीड्स अब इसके अंदर मैं लेमन स्लाइस डाल दूंगी और दो तीन स्लाइस में से मैं जो जूस है वो भी इसमें निकाल दूंगी तो आप चाहो तो हाफ लेमन का जूस भी सिर्फ डाल सकते हो स्लाइस की जगह अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो तो मैंने दो स्लाइस में से जूस निकाल लिया है और बाकी के तीन चार स्लाइसेज जो हैं वो उसमें इस तरीके से डाल दिया है देन फिर इसके अंदर हम जो ऑरेंजेस है वो भी डाल करके स्पैचुलर से थोड़ा सा स्मैश कर देंगे ताकि उसके जो जूसेज़ हैं वो रिलीज हो जाएँ तो लेमन और ऑरेंज जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारा विटामिन सी होता है सिट्रस फ्लेवर होता है है और बहुत सारा एंटी भी होता है तो ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं उसके बाद हमने इसमें खीरा भी डाला है तो खीरा आपको वाटर कंटेंट एंड फाइबर कंटेंट दोनों ही प्रोवाइड करता है जो हमारा ऑरेंजेस है उसमें भी काफी अच्छा फाइबर आपको मिल जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है ना अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें काफी रिलीफ मिलेगा अब आपको क्या करना है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही करना है आप चाहो तो कि को ग्रेट करके भी डाल सकते हो क्योंकि हम इनमें से कोई भी चीज़ फेंकने नहीं वाले हैं हम सारी चीज़ें खाएंगे तो हमें फाइबर भी मिलेगा पानी भी हमारा अच्छे से इनटेक होगा और रिफ्रेशिंग भी रहेगा बस जो लेमन स्लाइसिस आपने डाली है ना उसको ज़रूर आपको रिमूव कर देना उसको मत खाना वरना टेस्ट एकदम ही बिटर हो जाएगा तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से स्मैश कर दिया है और अब इसके अंदर मैं एक लीटर पानी ऐड कर दूंगी ये क्योंकि मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तो एक लीटर पानी तो आराम से कंज्यूम हो जाएगा इस ड्रिंक में एक्चुअली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसीलिए मैं आपको क्वांटिटी की बात बता रही हूँ कि आपको एक लीटर या आधा लीटर भी अगर आप बनाएंगे दो बैचेस में बना ले तो वो भी अच्छा रहेगा बिकॉज इसके हमने इसके अंदर हमने जो सौंफ यूज़ किया ना उसको आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है जैसे कि पहला वाला जो ड्रिंक था उसको आपको छः आठ घंटे या ओवरनाइट भी आप रख सकते थे जितना आप ज़्यादा देर रखोगे उतना अच्छा रहेगा बट इस ड्रिंक में ऐसा नहीं है इसको आपको एक सवा घंटे ही रखना है क्योंकि हमने जो सौंफ इसमें यूज़ किया वो अगर ज़्यादा देर पानी में रही तो बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड फ्लेवर हो जाएगा और वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट कर सकता है तो इसीलिए आप इसे बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ना बनाएं आधा लीटर या एक लीटर मैग्जिम आप बनाएं और इसे एक घंटे के लिए रख दीजिए एक सवा घंटे बहुत होता है और उसके बाद इसे विद इन वन आवर कंज्यूम कर लीजिए विथ सौफ़ जो भी इसमें सौंफ है या जो भी चीज़ें ना उसे अच्छे से चबा के कर कर खाना है क्योंकि वही सारी चीज़ें जो है ना वो आपको कॉन्स्टिपेशन में या ब्लोटिंग में या स्टमक रिलेटेड सारे इश्यूज़ में आपको हेल्प करने वाली हैं तो आपको सारी चीजें खा लेना है और जैसे कि मैंने बताया कि एक घंटे के अंदर इसे कंज्यूम कर लेना है फिनिश कर लेना है तो आप चाहो तो आधा लीटर में बना लो या फिर एक लीटर में बना लो और इन केस अगर आपको टेस्ट थोड़ा बहुत बिटर लग रहा है ऐसा लग रहा है कि नहीं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी या फिर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल के इसका फ्ले, फ्लेवर्स को इनहस कर सकते हो बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या ब्लूटिंग या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं तो इस डिटॉक्स वाटर को जरूर जरूर से ट्राई करना है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये जो भी डिटॉक्स वाटर मैंने बताए हैं आपको आपको मैं आइडियल टाइम इसको इनटेक करने का बताऊं तो आप सुबह ऐसे ना अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद सात आठ बजे के करीब बना लीजिए और जैसे ये वाला एक घंटे बाद और वो वाला चार छः घंटे के बाद आप इसे फटाफट कंज्यूम -फट करना स्टार्ट कर सकते हो तो बेसिकली दिन डूबने के पहले सनसेट के पहले आप इस पूरे पानी को कंज्यूम कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है और अगर आप फर्स्ट हाफ में मतलब ऐसे मतलब मैक्सिमम आप चार बजे तक इसे कंज्यूम कर ही लें तो इससे आपका वाटर इनटेक ना काफ़ी ईजी इफेक्टिव वे में बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप कॉन्शियसली uh, एक एफर्ट करके वो डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं दिखने में सुंदर है टेस्ट में भी अच्छा है और आपने इसे सुबह बनाया है तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे ये पानी ख़त्म करना है तो एक लीटर पानी तो आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा आपको बिना कुछ एफ़र्ट्स किए आपको पता भी नहीं चलेगा और बाकी का पानी आप अलग तरीके से पी सकते हो तो दोस्तों ये थी कुछ डी वाटर की रेसिपीज़ आई होप आपको मज़ा आया होगा आपने इन्जॉय किया होगा ये रेसिपीज़ को अब आप ज़रूर से इस रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और फोटोज़ वगैरह ज़रूर से अपलोड कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना बिल्कुल ना भूलें और इसके अलावा अगर आप कोई डी टॉक्स वाटर की रेसिपी फॉलो करते हैं तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बता रहे मैं उसको भी ट्राई करूंगी और अपने चैनल पर फीचर करूंगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर एक सीरीज चल रही है फिट रहो हिट रहो नाम से जिसमें हम बिजी मॉम्स के लिए कुछ फिटनेस ओरिएंटेड वीडियोस जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ और ये सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम शेयर करेंगे वेट लॉस सीरीज फॉर बिजी मॉम्स तो अगर आप ऐसे वीडियोज़ को देखने में इंटरेस्टेड है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें और मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए Bye, take care and fit row and hit row.